वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, अष्ट छाप कवियों में से बड़े प्रमुख थे गोविंद स्वामी जी। इनके पास एक बार वैकुंठ के पार्षद आए, बोले स्वामी जी तैयारी करिए, आपको वैकुंठ चलना है। बोले मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे रहना ब्रज में ही है, वैकुंठ किसी और को ले जाओ, यहाँ बहुत देर घूम रहे गोवर्धन में, ले जाओ चाहे जिसको ले जाए। जतिपुरा रहते थे उस समय, बहुत सुंदर उन्होंने पद लिखा है, गाओगे भाई? कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कही है वैकुंठ में मेरी बला जाके बसे, मुझे तो यही रहना है, ब्रज तज जाए मेरी बसे बलाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, वहां मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, न वह गाय होंगे, न ग्वाले होंगे, न बाबा नंद यशोदा मैया बाबा होंगे, ना वो लता वृक्ष कुंजे होंगी, ना वो गिर गोवर्धन होगा, ना वो वंशीवट होगा, ना मुरली की धुन होगी, जा तो वैकुंठ धाम, वैकुंठ से भी बाया है, अहो धन्या, ये धन्य है, धन्य भगवान स्वयं अपने धाम की महिमा श्रीमुख से, अपने से
अवधपुरी संप्रिय नहीं को यह प्रसंग जाने को अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यद्यपि सब बैकुंठ यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो प्रभु बोले यद्यपि सब बैकुंठ बखाना। लोग कहते मुझे बैकुंठ मेरा बैकुंठ है नहीं नहीं अवध प्रिय अवध जैसी प्रिय अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को चूंकि भगवान धाम के वासियों से बहुत प्यार कर अति प्रिय मोहिया करने वाले मुझे अतिशय प्रिय। कितनी भी देर को मेरे धाम में आया मुझे अतिशय प्रिय होता है। देखिए धाम का जो प्रभाव है ये कल्पों के अंतराल तक भी ये लाभ देता है। कल्प बीत जाते हैं लेकिन धाम का प्रभाव नहीं समाप्त होता। कल्पों के बाद भी धाम अपने परिणाम देता है महत्व देता है। और सबसे बड़ा उदाहरण काकभूषण जी है। किस कल्प में यहां बसतमोय सुन खग ईशा बीते कल्प सात अरुबीसा 27 कल्प पूर्व की घटना काकभूषण जी सुना रहे हैं। 27 कल्प पूर्व मैंने अवध में जन्म लिया था। उसके बाद में कितना घूमा कितनी योनि बदली लेकिन धाम का जो परिणाम था धाम की जो महिमा थी धाम का जो प्रभाव था वो समाप्त नहीं हुआ। और आपने सुना है गयउ उज्जैनी सुन उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। और एक बार अयोध्या में बहुत बड़ा अकाल पड़ा भूख से मरने लगे तो मैं धाम छोड़कर उज्जैन पहुंचा।
वहाँ एक बड़े सदगुरु मिले, उन्होंने मुझे विष्णु मंत्र दिया, कहा बेटा ये जप करो। गुरुदेव मेरे बड़े कृपालु थे, लेकिन मैं बड़ा ढीठ था, शूद्र जाति होने के कारण से मेरा स्वभाव ही बहुत नीच प्रकार का उद्दंड था, और मैं विष्णु की सेवा छोड़कर भगवान शिव की उपासना करता था। गुरु ने कई बार मुझे समझाया, और एक बार तो ऐसा हुआ कि गुर आयु अभिमान थे उठना ही कीन, प्रणाम गुरुदेव आए और मैं बैठा ही रहा भजनानंदी बनकर, ये जानबूझकर नहीं उठा। हाँ, गुरुदेव आए निकलकर चले गए, ध्यान नहीं रहा, हम बैठे रह गए, वो अपराध ने जानबूझ करके। मैं भी भजनानंदी को ऐसे नहीं खड़ा होता हूँ, जब समय होता है तभी खड़ा होकर प्रणाम करूँगा आपको। और भगवान को सब कुछ प्रिय है, लेकिन अभिमान प्रिय नहीं है, अभिमान प्रिय नहीं। भगवान सबको स्वीकार कर लेता है, कामी को स्वीकार कर लेता है, क्रोधी को स्वीकार कर लेता है, पापी को स्वीकार कर लेता है, झूठे को स्वीकार, अरे दुराचारी को भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन भगवान कहता है मुझे अभिमानी प्रिय नहीं है, मुझे अभिमान अभिमान और भगवान का कोई संबंध नहीं। और आपने वो घटना सुनी है कि भगवान शिव इतने कुपित हो गए, सह नहीं सके, महेश आकाशवाणी से शाप दे दिया, जा बहुत सारी नीच योनियों में तुझे भ्रमण करना है। हाहाकार मच गया मंदिर में, ये उज्जैन की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। गुरु तो बड़े भोले होते हैं, कितने भोले होते हैं, एक पद गा लो, राम मिला बनहारे पर बहुत कोमल, कोई क्रोध का लेश नहीं, बहुत कोमल। गुरु ने कृपा कर दी, रुद्राष्टक से शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, कहा शूद्र तेरे लिए नहीं, तेरे गुरु के कारण से तू इस लायक नहीं है, लेकिन चूंकि तेरा धाम में जन्म हुआ है, इसलिए धाम के जन्म के कारण से तुझे इतने दुर्लभ आशीर्वाद मैं दे रहा हूं। जा, तुझे योनियां तो भोगनी पड़ेंगी, लेकिन शरीर छोड़ते समय तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, और तुझे धाम का हमेशा ध्यान बना रहेगा। तो धाम का एक क्षण का भी निवास कल्पों के अंतराल में भी अपना प्रभाव देता है। हम तो यहाँ 10 दिन रहने वाले हैं, हम तो यहाँ 10 दिन रहने वाले, तो धाम का जो प्रभाव होता है
ये सीता जी का देखिए ना, सिय निंदक अघो घन साय, सिय निंदक अघो घन साय, सिय निंदक अघो घन साय, सिय निंदक अघ अयोध्या के धोबी को जिसने जानकी जी को दोबारा से गर्भवती अवस्था में महल से निकलवा के वनवास कराया था, उस धोबी को भी अंत समय में भगवान साथ लेकर गए लोक, और अपने धाम में साकेत धाम में ही उनको निवास दिया। लोक विशोक बनाए बसाए। अरे बंधुओं बहनों, हम तो उतने गिरे हुए भी नहीं हैं, एक आधा छोटा मोटा कुछ हो जाता है, वो तो यही पूरा हो जाएगा, जाएंगे तो गोलोक ही जाएंगे, ये गारंटी है इस यात्रा की, ये गारंटी। इसलिए धाम की महिमा वर्तमान मध्य, हम वर्तमान को देखने नहीं आए, वर्तमान तो हमेशा ऐसा रहता है, भगवान के काल में भी वर्तमान ऐसा ही था, और वर्तमान में कोई भगवान को भगवान मानता भी कहाँ था, ये नंद यशोदा नहीं मानते थे, कंस नहीं मानता था, 24 घंटे अर्जुन कैरम खेलता था भगवान के साथ बैठकर, गिल्ली डंडा वो नहीं मान पाया, सखे तिमत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखी, अजानता महिमानंत वेदम, मैं अज्ञानी, मैं पहचान नहीं पाया आप अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक है, और मैं घोड़े खुजवाता रहा आपसे, आपसे अपनी उंगली चटकवाता रहा, झूठे बर्तन उठवाता रहा। तो जब वर्तमान काल होता है, माथे की आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता, माथे की आंखों से तो वर्तमान ही दिखाई देता है, शाश्वत तो मन की आंखों से दिखाई देता है, और उन मन की आंखों में अंजन लगाने का काम ही ये प्रवचन है, और कोई काम नहीं है, ताकि मन की आंखें खुल जाएं और शाश्वत हमको दिखाई दे जाए। धाम धाम होता है।